तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बता दिया था और आप प्लेन मिरर के और आपको बताया था कि आगे प्रॉब्लम्स कराएंगे, लेकिन चूंकि ये पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसमें ज्योमेट्री की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। बहुत ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे कि आप घबरा जाए, इतना ज्यादा हल्का फुल्का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो जरूरत पड़ेगी। तो एंगल्स की मेनली जरूरत पड़ेगी। देखिए जैसे ये एंगल, ये एंगल यहाँ पर एक एंगल ये थीटा हो गया, ठीक। अब अगर ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें ये भी थीटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, यहाँ भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे ये भी थीटा हो जाएगा। ये कहलाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, कहीं नोट कर लीजिए, ये आगे जरूरत पड़ेगी, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। एक है लाइन ये ऐसे, ये इधर, ये अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, दो पैरेलल लाइन, चाहे ये ऐसे लाइन, ये इधर ये लाइन आप ड्रॉ कर दिए, ठीक। तो अगर ये एंगल वर्टिकल लाइन जितना यहां बनाएगा उतना एंगल यहां बनाएगा, ये कहलाएगा अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल कहलाएगा? अल्टरनेट एंगल, ठीक। अगर ये एंगल यहां से थीटा दे रखा है, ये थीटा हो जाएगा, चाहे इसको अगर अल्फा ले लेते हैं इधर वाला अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो दो लाइनें ये है, बीच की लाइन दो लाइन ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एंगल अल्टरनेट। एक एंगल ये होता है ये इस तरीके से, ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये वर्टिकल अपोजिट कहलाएगा। यहाँ पे ये दोनों लाइनें जितना इधर एंगल बना रही है इतना इधर वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये कहलाएगा। तो देखिए ये दो तीन एंगल है, ये ध्यान में रखिए, बाकी कहीं 90-I करना हो तो अलग बात, निकालते रहिएगा। इसलिए अगर बच्चे को बहुत ज्यादा अगर एंगल वगैरह की दिक्कत है, नहीं पढ़ा है, तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जिससे कि आपको फिजिक्स समझ में आ जाए, ऑप्टिक्स समझ में आ जाए, ऑप्टिक्स समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें एंगल्स के खेल है, एंगल आपको बीच बीच में जरूरत पड़ती रहेगी। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो एंगल वही रहेगा, ये अल्टरनेट एंगल है, ये दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, बीच में मिला दिए, चाहे ऐसे पैरेलल लाइन हो चाहिए हो, तो ये थीटा, ये थीटा, अगर इधर अल्फा ले लेते हैं तो ये वाला अल्फा हो जाता है, बराबर ही आता है। और दो लाइन अगर ऐसे कट कर रही हैं तो इधर कहेंगे उधर के बराबर हो जाएगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक। अब देखिए हम लोग प्लेन मिरर में मैंने आपको एक चीज, प्लेन मिरर हो या क्रॉड मिरर हो, मैंने आपको एक चीज बताया कि पूरा चैप्टर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पर ये इर्द गिर्द इसी के सराउंडिंग या इसे कॉन्सेप्ट कह लीजिए पूरा एंगल घूमता रहेगा, ठीक है, ये पूरा एंगल घूमता रहेगा यहाँ, देखिए। अब मैं आपको बताता हूं टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा व्हेन अ रे इज पैरेलल टू, व्हेन अ रे इज पैरेलल टू, व्हेन अ रे इज पैरेलल टू सेकेंड मिरर इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंसिडेंट ऑन द सेकेंड मिरर एंड emerged parallel to the first mirror. Find angle theta, yani dono plane mirror ke beech ka angle theta. Also calculate एंगल ऑफ डिवीजन, एंगल ऑफ
डिवेशन, आल्सो कैलकुलेट एंगल ऑफ डिवेशन, दो चीजें हैं। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये कह रहा है दो प्लेन मिरर हैं, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, पहले प्लेन मिरर पे लाइट गिरती है दूसरे के पैरेलल, फर्स्ट प्लेन मिरर पे लाइट इंसिडेंट होती है सेकंड के पैरेलल, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेकंड मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो सेकंड मिरर से जो लाइट बाहर निकलेगी एमर्ज होगी वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल निकल रही है। तो कह रहा है कि दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल बताइए कितना आएगा, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा कितना होगा और टोटल डिवेशन लाइट का कितना हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिगर आप चाहे जैसे बनाइए, नंबरिंग कर लीजिए कौन फर्स्ट मिरर है कौन सेकंड, कौन सा फर्स्ट मिरर है कौन सा सेकंड मिरर है, ये नंबरिंग कर लीजिए। देखिए हम मान लेते हैं ये दो प्लेन मिरर है, ये ऐसे, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, ये प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की पहचान ये कैसे है, ये लगा दिया ये थीटा एंगल है, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट प्लेन मिरर है, इसको मान लेते हैं सेकंड प्लेन मिरर। अब प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पहले मिरर पर लाइट इंसिडेंट होती है, ये मिरर पे लाइट इंसिडेंट होगी इस प्लेन मिरर पर, इस प्लेन मिरर पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और किसके सेकंड के पैरेलल, इस पे इंसिडेंट हो रही है, ये सेकंड प्लेन मिरर है इसके पैरेलल, ये ऐसे आगे इंसिडेंट होगी, इसके पैरेलल होनी चाहिए ये जो लाइट है, ये जो मिरर है इसके पैरेलल, इसके ये लाइट, ये प्लेन मिरर से इसके पैरेलल लाइट आ रही है, सेकंड फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट हो रही है सेकंड मिरर के पैरेलल। अब सेकंड मिरर ये ऐसे है, लंब समय का ऐसे अंदाज के बना रहा हूं, ये लाइट ऐसे आकर के इसके पैरेलल यहां गिर गई, इंसिडेंट हो गई किस पर, फर्स्ट मिरर पर। मैंने आपको बताया जहां पर लाइट चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, जहां पर लाइट इंसिडेंट होगी जिस जगह पर इंसिडेंट होगी वहां पर पहला काम करेंगे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो देखो बच्चों यहां पर पहला काम करिए आप नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल। अब जितना एंगल ये बना रहा है, ये एंगल जितना बना रहा हो इतने ही एंगल बनाते हुए लाइट रिफ्लेक्ट होगी यहां पर, ये इतने एंगल बनाते हुए लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के यहां पे आ जाएगी, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के ये आ गई, जितना एंगल ये था जितना एंगल ये बन रहा था उतने ही एंगल बनाते हुए मोर ऑर लेस ये लाइट आकर के यहां पे इंसिडेंट हो गई। जहां पर लाइट इंसिडेंट हो, अब इसमें ये कह रहा है कि सेकंड मिरर पर जब लाइट पड़ेगी इंसिडेंट होगी, फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के सेकंड मिरर पर जब आकर लाइट गिरेगी, कह रहा है यहां से जो लाइट एमर्ज होगी यानी जो यहां से रिफ्लेक्ट होगी वो पहले मिरर के पैरेलल निकलनी चाहिए। अब फर्स्ट मिरर ये यानी इसके पैरेलल लाइट ऐसे जाएगी, चाहे डायरेक्ट फिगर बना दिए और चाहे अगर हम यहां पर ये देखें, अगर ये हम नॉर्मल ड्रॉ करते नॉर्मल, अगर ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे यहां पर ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल यहां पर क्योंकि लाइट ये आगे इंसिडेंट हो रही है, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल आप इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल आप रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसा आ जाएगा। तो सवाल में ये बोला भी है, प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, दो प्लेन मिरर है, पहले प्रॉब्लम को बहुत कायदे समझिए, इसमें कुछ है नहीं केवल एंगल पे खेल है और हर जगह एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लगाना है। ये कह रहा है दो प्लेन मिरर ये ऐसे थीटा एंगल पे इंक्लाइन, पहला मिरर ये है सेकंड मिरर ये है, पहले मिरर पे लाइट इंसिडेंट हो रही है लेकिन कह रहा है सेकंड मिरर के पैरेलल, अब सेकंड मिरर जैसे है इसके पैरेलल लाइट ऐसे लाइट इंसिडेंट कराएंगे, यहां लाइट इंसिडेंट होगी नॉर्मल ड्रॉ करिए, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहां इंसिडेंट होगी, यहां इंसिडेंट होगी, यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे जितना एंगल ये है उतने एंगल बनाते हुए लाइट निकल जाएगी बाहर, ये कहलाएगी इमरजेंट रे जो फाइनल रे। और सवाल में बोला भी है, ये हमको देखिए हमने आपको बताया था एंगल आई और एंगल आर बराबर करेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप सेट होती चली जाएगी, हमने यहां बराबर किया अपने आप लाइट ऐसे पैरेलल जा रही है ये, और ये कह रहा है कि इमरजेंट रे जो है वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल निकल रही है, यहां जो इंसिडेंट हुई है लाइट सेकंड मिरर पे यहां से जब रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगी तो कह रहा है पहले मिरर के पैरेलल निकलनी चाहिए। अब ये पैरेलल जाएगी
ये पैरेलल लाइट गिरे, ये जा ही रही है यहाँ पर फर्स्ट प्लेन में रखे, ये पैरेलल निकल के जा रहे हैं। अब कह रहा है कि बताइए थीटा कितना होगा, तो देखिए अब एंगल का खेल है, ठीक, ध्यान से आप समझिए, ठीक, ये दो ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा, यानी ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ नॉर्मल पर कर दिया 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, 90 रहेगा ना, ये 90 रहेगा, ये इतना एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रहे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल आई हो गया, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये इतना टोटल एंगल 90 है यहां से यहां तक, ये इतना टोटल एंगल कितना 90, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा, ये इतना निकल के आ गया, ठीक, यहां से इतना थीटा हो गया। अब यहां देखिए ये थीटा है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये थीटा और ये अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये थीटा ये भी थीटा, ये लाइन है, अगर ये वाली लाइन अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, यहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन थीटा, यहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन थीटा, ये सारे थीटा हो जाएंगे। तो अगर ये थीटा है, यहां देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन निकल के जा रही है इस लाइन से, क्योंकि ये इमर्जेंट रे इसके पैरेलल है, तो जैसे यहां पर हमने आपको बताया थीटा, ये थीटा, ये थीटा, वैसे अगर ये थीटा है ये थीटा हो जाएगा, और इस पर ये 90 डिग्री है, नॉर्मल है, इस पर ये नॉर्मल है, नॉर्मल वाली लाइन है, ये लाइन नॉर्मल है, यहां से लेकर यहां तक ये नॉर्मल, ये इतना 90, अगर ये इतना 90 डिग्री है, ये इतना 90 डिग्री है टोटल, ये यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री, और ये इतना एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसके लिए, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये इतना 90 माइनस, ये इतना टोटल 90 है, यहां से ये इतना एंगल 90, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल वाली लाइन आ रही है, ये नॉर्मल वाली लाइन ये आ रही है, नॉर्मल वाली लाइन, तो नॉर्मल, ये नॉर्मल यानी 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा इतना आ गया, और यहां से लेकर यहां तक 90, तो ये इतना एंगल कितना जाएगा, थीटा जाएगा। अब ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ये ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में ये एंगल, ये एंगल, ये इस ट्राइंगल दिख रहा है पूरा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा ये इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3 थीटा ये इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 60 डिग्री, यानी दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई फिर से समझाऊं, सवाल समझिए, सवाल क्या कह रहा है, दो प्लेन मिरर है, थीटा एंगल पर इंक्लाइन, ठीक, अब एक मिरर पे पहले में चाहे पहला इसको ले लिया उसको ले लिया इसी को ले लिया, किसी एक भी मिरर पर लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है, तो दूसरे के पैरेलल आ रही है, दूसरा मिरर जैसे है वैसे उसे पैरेलल इंसिडेंट करा दिया, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, यहां नॉर्मल ड्रॉ कर लो, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाएगी, ये करा जो रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है वो पहले मिरर के पैरेलल है, पहला मिरर ये है, अब दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, पहले के पैरेलल ये चली गई, ठीक, ये बोल दिया। अब ये एंगल थीटा है, ये लाइट किरे और ये लाइट किरे पैरेलल है, ये इतना एंगल थीटा हो जाएगा, यहां हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये टोटल एंगल 90 है, ये टोटल एंगल 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस चैप्टर का टूल बताया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे, ये 90 माइनस थीटा, यहां से यहां तक 90 डिग्री एंगल दे रखा है, ये इतना, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा आ जाएगा, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अच्छा, अब ये थीटा ये है, ये लाइन से थीटा, ये वाली लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा, यही वाली लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा, ये भी हो जाएगा, और यहां 90 नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन, ये टोटल यहां से यहां तक एंगल 90 हो जाएगा, ये इतना, ये 90, ये इतना थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल रिफ्लेक्शन एंगल आ गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर हो जाएगा। अब ये एंगल टोटल 90 डिग्री दे रखा है, ये एंगल टोटल 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, ये इतना, और ये टोटल 90 है, 90 में 90 माइनस थीटा आ जाएगा थीटा। अब ये ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें ये आ गया। अब अगला सवाल ये, एंगल ऑफ ड्यूरेशन क्या होगा, एंगल ऑफ ड्यूरेशन मैंने आपको इससे पहले वाली प्रीवियस क्लास फर्स्ट क्लास में बताया था कि अपने पाथ से कितना डिवेट हो जा रही है, यह एंगल ऑफ इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ ड्यूरेशन, जैसे ये लाइट आ रही थी इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ये इतना ऐसे सीधा, ठीक, अब ये सीधा ना जा करके ये यहां से ये इतना टर्न ले लिया, ये इतना, ये डेल्टा वन, एक डेल्टा बना, डेल्टा वन, ये इतना, ये देखिए यहां पर इसको लाइट को सीधे आ रही थी,
अब सीधे ना जाकर क्या होगा, ये यहां बजाय यहां सीधे आने के यहां टर्न ले लिया से, तो ये अपना इतना अपने पाथ से डिवेट हो गई, विचलित हो गई, ये इतना, तो ये डेल्टा बन आ गया, तो ये इतना इस, यहां पे डिवेशन इतना हो जाएगा। ये डेल्टा वन निकालना हो तो देखिए ये थीटा कितना निकल गया है 16, ये 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 30, 90 माइनस 60 यानी ये 30 डिग्री आ गया, ये भी 30 डिग्री, ये इतना आ जाएगा, ये इतना 30, तो हमको ये वाला इतना एंगल चाहिए, ये वाला इतना एंगल, तो टोटल एंगल देखिए ये इतना 180 हो जाएगा, ये इतना टोटल एंगल 180, 180 में से ये इतना माइनस कर दिया तो ये इतना एंगल निकल के आ जाएगा, तो 180 माइनस ये 30 और 30 60 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे ये 120 डिग्री आ जाएगा। अच्छा अब लाइट यहां पर आकर के इस जगह पर आकर के यहां पर ये अब ये लाइट इस मिरर के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये इंसिडेंट रे इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ये ऐसे इसको यहां पर ये इसको ऐसे मिला दिए, ये ऐसे सीधा जाएगा, अब ये सीधा ना जाकर के ये इतना टर्न ले लिए, इसको ऐसे जा दे यहां से, ये हमारा डेल्टा 2 आ जाएगा। डेल्टा 2 अगर निकालते हैं डेल्टा 2 तो यहां पर भी हो जाएगा ये 90 माइनस 6, अब टोटल एंगल यहां से यहां तक अगर ये लाइन देखिए ये टोटल 180 हो जाएगा यहां से अंदर, तो 90 माइनस थीटा 60 है तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा, ये भी 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये 30 30 माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 60, ये भी आ जाएगा 120, तो टोटल डिविजन कितना आ जाएगा डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ये इक्वल टू आ जाएगा 240 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ये एंगल ऑफ डिविजन निकल के आ गया। तो देखिए अभी दो क्लास में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, ठीक, अब इस क्लास में आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल ले रहा हूं और न्यूमेरिकल थोड़ा सा भारी जाता है, लेकिन मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर आपने पहले भी कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तब भी मैंने आपको एंगल के बारे में बता दिया, डेफिनेशन के बारे में बता दिया, अगर आप एनालिसिस करिए सोचिए तो आपको अगर पहले कुछ भी नहीं पता है तब भी आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर एंगल्स आपको पहले नहीं मालूम थे तो, और हर जगह एंगल आई इक्वल टू एंगल आ रही कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई, फिजिक्स तो पूरा कॉन्सेप्ट पे चलेगा चलेगा, ठीक ये आ गया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, देखिए देखिए अब मान लेते हैं ये दो प्लेन मिरर दे रखा है, ये प्रॉब्लम, ये मेरे प्रॉब्लम का सिंबल है, जहां कहीं ऐसा बना रहेगा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक। देखिए अब यहां पर ये ऐसे प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर ये ऐसे है, ठीक मान लेते हैं ये ऐसे, ये प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर ये ऐसे, ठीक, ये दो प्लेन मिरर, ये 20 डिग्री पे इंक्लाइन है, कितने डिग्री 20 डिग्री, 20 डिग्री पे इंक्लाइन है ये ऐसे, लाइन सीधी होनी चाहिए हमारी, लाइन टेढ़ी हो जा रही है, चलिए जैसे भी बहरहाल मान लीजिए 20 डिग्री पे इंक्लाइन, यहां से एक ये लाइट ऐसे आती है यहां पर आई इंसिडेंट होगी, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी यहां आ रही, फिर ये लाइट ऐसे यहां चली जा रही, यहां से ये लाइट ऐसे फाइनली बाहर निकल जा रही, ये इस तरीके से लाइट फाइनली बाहर निकल रही, ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर अगर हम ये नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये नॉर्मल आ जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा और यही एंगल आई हमसे पूछ रहा है कितना होगा, लाइट यहां से स्टार्ट होती है, ये ऐसे आती है यहां पर रिफ्लेक्ट होकर यहां से ऐसे जाती है फाइनल बाहर निकल जाती है, दो प्लेन मिरर, तो निकालना क्या है एंगल आई बताना है, एंगल आई कितना होगा, ये एंगल आई बताना है। तो फिर से आप सवाल देखें, इससे पहले भी आपको बताया था दो प्लेन मिरर वहां भी थीटा एंगल पे इंक्लाइन था, यहां भी प्लेन मिरर थीटा की वैल्यू दे रखा है 20 डिग्री पे इंक्लाइन, एक ऑब्जेक्ट यहां पर इस मिरर पर रखा गया है, यहां से लाइट चलती है इस पॉइंट पर आके इंसिडेंट होती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट यहां आती है सेकंड मिरर पर, ये फर्स्ट मिरर था सेकंड से फर्स्ट पे आती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर आप सेकंड मिरर पे गिरती है, यहां से लाइट ये दे रखा है, फाइनली लाइट रे जो है वो बाहर निकल जा रही है और पैरेलल निकल रही है, तो कह रहा है कि ये एंगल आई, वैसे ये भी पूछ सकता था एंगल आई, वहां भी पूछ सकता था,
यहां का ग्राहक एंगल आई कितना होगा, ये एंगल आई, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक, तो हम इसका एक डायग्राम फिर से बनाते हैं आपको। ये तो आपकी प्रॉब्लम के लिए हो गया, इसका डायग्राम बना करके जो है अब आपको देखिए निकालना शुरू कर। देखिए इसमें केवल एंगल ही देखना है आपको, अगर इसमें केवल एंगल, कोई ऐसा इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है जिसमें कि आपको एफबीडी बनाना हो या फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगाना हो या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना हो, ऐसी कोई चीज नहीं लग रही है। सिंपली सिर्फ आपको एंगल देखना है। ये देखिए ये फिगर हम आपको ये ऐसे 20 डिग्री एंगल दे रखा है, 20 डिग्री। ठीक, यहाँ पर ये प्लेन मिरर, ये लाइट, ये 20 डिग्री एंगल दे रखा है, यहां से लाइट ये ऐसे आई, ये ऐसे गई। ठीक, फिर लाइट यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, ये प्लेन मिरर, यहाँ पर ये ऐसे निकल जाएगा बाहर, ये प्लेन मिरर जो है, यहाँ पर लाइट इस प्लेन मिरर से ऐसे हॉरिजॉन्टल वे निकल रही है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, लाइट यहां से लेके इस तरफ जाएगी, यहां अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल नॉर्मल मतलब ये ऐसा होना चाहिए, हालांकि उतना सही नहीं आ रहा, ये इतना जितना अच्छा आना चाहिए। ये एंगल आई, ये हमें निकालना है, अगर ये एंगल आई, ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो ये भी एंगल आई हो जाएगा। ठीक, एंगल क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ये एंगल आर रिफ्लेक्शन है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस जगह, हमारा डायग्राम उतना अच्छा बना नहीं है क्योंकि ये एंगल आई और एंगल आर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब यहां पर ये एंगल आई, ये एंगल आई, अब यहां पर देखिए यहां पर एक एंगल आई, ये होगा एंगल आर, ये हो जाएगा। फिर लाइट आकर के यहां पर इंसिडेंट होगी इस जगह पर, इस जगह पर लाइट यहां पर आकर के इंसिडेंट होगी, तो यहां पर अब ये नॉर्मल यहां ड्रॉ कर दिए, नॉर्मल यहां ड्रॉ कर देंगे, ये एंगल आर होगा और ये एंगल आई हो जाएगा। देखिए अब मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये लाइन अगर ऐसे जाए, अगर यहाँ पर ये एंगल 20 डिग्री है, अगर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे 20 डिग्री आएगा, यहाँ भी लाइन ड्रॉ करेंगे 20 डिग्री आएगा। ये मैंने आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल इससे पहले वाली प्रॉब्लम में बता दिया। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 20 डिग्री है हॉरिजॉन्टल, और यही वाली लाइन ये 20 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 20 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 20 डिग्री आ गया, ये टोटल 90 है इस पर, ये टोटल 90, और ये 20 डिग्री अगर ये आ गया, ये 70 डिग्री हो जाएगा, ये इतना, और ये 70 डिग्री हो गया, तो ये एंगल आप इंसिडेंस है, ये एंगल रिफ्लेक्शन है, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल, ये वो एंगल आप, ये एंगल आप इंसिडेंस, ये 70, ये एंगल आप रिफ्लेक्शन, और वो 20 निकल गया, वो 20 हमने यहां से निकाल दिया ना, जैसे वो आपको बताया, वो 20 हो गया तो 90 टोटल था, तो हमारा 70 पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकल गया है, ये 20 था, ये 70 आ गया, ये लाइट रिफ्लेक्ट 70 है, और यहां लाइट ये ऐसे जा करके ये ऐसे आ गए, ये इंसिडेंट हो रही, लाइट तो ऐसे चलेगी ना, ये एरो ऐसे लगा दी। तो यहां हमने आपको पहले दिन बताया था क्लास में कि एरो लगाना बहुत जरूरी, अब 70 70 ये हो गया। देखिए अब मैंने आपको एक एंगल तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, अब देखिए हमको पहुंचना है यहां पर, यह ही निकालना, मेन एंगल ही निकालते रहिए, ये एंगल सारे एंगल निकालते रहिए, निकल के आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर ये दो लाइनें हैं, अगर ये लाइन अगर ऐसे है, ये लाइन अगर ऐसे है, ये एंगल अगर हमको पता है, ये वाला एंगल कितना है, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल यहां अगर देखिए तो ये एंगल हमको 140 दिख रहा है ना, ये दोनों ऐड कर दिए 140 ये है, तो 140 हमारा एंगल ये इतना हो जाएगा 140। अब 140 हमारा ये इतना एंगल हो गया 140, और ये लाइन यहां से अगर ड्रॉ की जाएगी तो ये नॉर्मल वाली लाइन, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, जैसे ये इतना 140 बताया, तो ये इतना एंगल भी कितना हो जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा, 140 ये मैंने बना दिया यहाँ। अब 140 आ गया, और ये इतना एंगल, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, जैसे ये इतना एंगल कितना हमारे पास 90, ये इतना एंगल 90, और टोटल 140, तो 140 में से 90 निकाल दिए तो ये एंगल कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, इधर वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री ये इतना आ जाएगा, और 90 डिग्री ये टोटल आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितना होगा 90 होगा, और ये 140 था, तो 140 में से इतना 90 निकाल दिए 50 आ गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ, ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया रिफ्लेक्शन, ये भी 50 डिग्री आ गया, करेक्ट। मेन एंगल के खेल है बार बार बता दूं। अब यहां पे अगर देखिए
अगर ये 90 डिग्री है यहां से यहां तक, जैसे यहां से हमने देखा था ये 20 डिग्री है, ये 90 था, तो 20 माइनस कर दिया 70 आ गया। ऐसे यहां से ये इतना एंगल कितना है 90 डिग्री। ध्यान देते रहिए समझ में आ जाएगा, ध्यान नहीं दोगे तो। अब ये इतना एंगल 90 डिग्री, ये 70 दे रखा है, यानी ये इतना एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक 20 हो गया। अच्छा अब यहां देखिए ये एंगल आई, लाइट इंसिडेंट हो रही थी, ये एंगल आर होगा, आर और आई बराबर होता है, और ये इस पर टोटल 90 डिग्री बनेगा, ये इतना एंगल 90 डिग्री, और ये इतना आई, तो ये इतना एंगल कितना निकल के आ जाएगा 90 माइनस आई, ये इतना 90 माइनस आई। तो आप देखिए एक ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये एक ट्राइंगल देखिए, ये ऐसे ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो तीनों एंगल में ये 100, ठीक ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, प्लस ये 20, ये तीन एंगल हो गया, ये इक्वल टू आ जाएगा 180, ये हो गया। अब इनको देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ये 190 प्लस 210, तो माइनस आई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 210, तो आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई इक्वल टू माइनस 30, यानी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, आई इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, ये इतना निकल के आ गया। तो ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम ये करा, देखिए सर हालांकि हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको टफ लग रही है, लेकिन देखिए एंगल ही निकालना है, एंगल निकालने के बाद सिंपल प्रॉब्लम भी आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम आपको देता हूँ, ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये मिरर, ये प्लेन मिरर ऐसे रखा गया है, इस पे एक लाइट आती है 45 डिग्री पे, ऐसे 45 डिग्री पे ये आकर के इंसिडेंट होती है, ये लाइट गिरे यहाँ से 45 डिग्री बनाते हुए, 45 डिग्री एंगल पर बनाते हुए यहाँ पर आकर के ये इंसिडेंट होती है, ये इस जगह ये कितना एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 45 डिग्री। अब चाहे इधर से दे दिया जाए या ग्लैंसिंग एंगल दे दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही 45 आएगा। तो ये इतने लाइट इंसिडेंट हुई और इतने एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितना एंगल है इतने ही एंगल बनाते हुए लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, 45 डिग्री पे है तो 45 डिग्री पे बनाते हुए लाइट यहाँ पर 45 से लाइट, ये जितना एंगल है ये इतना एंगल बनाते हुए लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इतना लाइट यहां से बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे है कि लाइट यहां से आने के बाद ये मिरर है, रिफ्लेक्शन मिरर ये है, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये लाइट जो जा रही है ये कह रहा है जो रिफ्लेक्टेड रहे हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर कोई एक मिरर रखा जाए, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर कोई एक मिरर रखा जाए जिससे कि जब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो इस मिरर से तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। यहां पर ये लाइट ऐसे जा रही है, कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ये, इससे कितने एंगल पर कोई मिरर रखा जाए, कितने एंगल पर कोई मिरर रखा जाए जिससे जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो ये इतना यहां पर ये मान लेते हैं कोई मिरर हमने ऐसे रख दिया ये मिरर यहां पर, ये हॉरिजॉन्टल से जो है ये हॉरिजॉन्टल ये थीटा एंगल पे मिरर रख दिया, अब लाइट आ गया इंसिडेंट हो गई, ये क्या जाए यहां से सीधा रिफ्लेक्ट होकर के ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक तो ये एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर अरे इंसिडेंट, अरे इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर, ऑन द प्लेन मिरर एट एन एंगल, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक ठीक है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक एट व्हाट एंगल,
एट व्हाट एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज केप्ट सो दैट रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर becomes horizontal. ये horizontal हो जाए, ठीक? From mirror, ये mirror को कितने angle पर रखा जाए, मान लेते theta angle पर रख दिए गए, तो जिससे कि ये क्या हो जाए, यहाँ जो ray हो, ये horizontal हो जाए। अब देखिए इसमें कोई आज की जो ये lecture अपना चल रहा है, ये lecture जो है केवल numerical oriented questions हो रहे हैं, और numerical oriented questions में जो है कोई ऐसा थ्योरेटिकल चीज नहीं है, आपको भी थोड़ा सा ज्योमेट्री कमजोर होने की वजह से थोड़ा सा आप बोरिंग सा फील कर रहे होंगे। आप बोरिंग फील मत करिए, आपको देखिए मैंने आपको बताया कि जितने भी एंगल की जरूरत पड़ रही है वो एंगल मैं सब बताते हुए चल रहा हूँ, ये जितने चीजों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है? अब बच्चा क्या होता है, ये चीजें एक दो दफे अगर आपने एंगल को पकड़ लिया कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, और ऐसा दो चार फिगर बना करके देखो बेटा, अगर ऐसा देखोगे और अगर ये बन जाएगा एक दफे दिमाग पे चढ़ जाएगा तो आपको आसान हो जाएगा, आसान लगने लगेगा, और जब तक दिमाग पे नहीं चढ़ता तब तक वही चीज डिफिकल्ट लगती है, अरे समझ में नहीं आ रहा है, ये करो वो करो। तो ये सिंपल फिगर बना के जैसे हमने आपको समझाया था वैसे देखिए। बहरहाल देखिए अब ये सवाल तो ये था, ये प्लेन मिरर रखा गया है, ये प्लेन मिरर यहाँ पर, और यहाँ पर लाइट ऐसे आगे इंसिडेंट हो रही है, ये 45 डिग्री एंगल से रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो मैंने आपको इसमें तो खैर नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जहां कहीं भी लाइट इंसिडेंट हो वहां पर फौरन नॉर्मल ड्रॉ कर दो। यहां पे ऑलरेडी नॉर्मल ड्रॉ है, और ये नॉर्मल से इतना एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतने ही एंगल मैंने बताया, पूरा चैप्टर इससे बेस्ड है, चाहे आगे आपको कॉनकेव मिरर आएगा, कॉन्वेक्स मिरर, हर जगह एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये 45 था 45 दिया गया। अब ये कह रहा है कि यहां पर ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसके रास्ते में कितने एंगल पर एक मिरर रखा जाए, हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ये, कैसे एक मिरर रखा जाए जिससे लाइट इस पे इंसिडेंट हो और ये लाइट रे जो है हॉरिजॉन्टल हो जाए, इससे सीधा निकल आए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, ये लाइट रे क्या हो जाए, इसे सीधा हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो ये एंगल कितना होना चाहिए। तो देखिए अब ये लाइट तो आकर के मिरर पे गिरेगी, यहां के नॉर्मल यहां के इंसिडेंट हो जाएगा, एक लाइन तो आप ऐसे सीधा ड्रॉ कर दिए, ये ऐसे सीधा ये ड्रॉ करेंगे, ये लाइन सीधा ऐसे आ जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक? अच्छा ये 45 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक? अब यहां पर ये दोनों सीधी लाइन ड्रॉ करी है ऐसे, ये नॉर्मल नहीं है। अब इस मिरर पर जहां पे लाइट ये इंसिडेंट हो रही है, इस जगह पर नॉर्मल ड्रॉ करो, इस जगह पर नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करते हैं, इस जगह पर नॉर्मल, ये नॉर्मल आ गया, क्योंकि लाइट आकर के यहां पर इंसिडेंट हो रही है। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया, पहले क्लास में रिफ्लेक्शन में, कि जहां पर भी लाइट इंसिडेंट होगी, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, पहला काम करिए वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करो। यहाँ पर बेटा देखो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यानी इस जगह पे यहाँ मिरर, ये सरफेस का मिरर का नॉर्मल ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है? मिरर का नॉर्मल ये इधर आ गया, ये नॉर्मल आ गया। अब ये 45 डिग्री, अब ये नॉर्मल, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इतना एंगल, ये 45, ये 90, ये 45, ये इतना आ जाएगा, तो ये इतना 45, ये टोटल एंगल। और अच्छा लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के, ये नॉर्मल रिफ्लेक्ट होकर ये इतना जा रहा है यहां पर, तो ये इतना एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ जितना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये भाई नॉर्मल है, नॉर्मल से ये रे आ रही है, नॉर्मल से, और नॉर्मल से ये रे हॉरिजॉन्टल निकल के जा रही है ऐसे, नॉर्मल से ये रे ऐसे हॉरिजॉन्टल निकल के जा रही है, अगर ये हॉरिजॉन्टल निकल के जा रही है तो नॉर्मल से ये जितना एंगल बनेगा और नॉर्मल से ये जितना रे बनाएगी, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा, और यहां पर ये देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल से ये थीटा दे रखा है, ये थीटा दिया हुआ है, ये थीटा कितने एंगल पर ये मिरर रखा जाए, हॉरिजॉन्टल थीटा, यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल कितना आ रहा है, ये 90 डिग्री एंगल, ये हमारा नॉर्मल जो है इस सरफेस पे, ये ऐसे यहां पर ये नॉर्मल ये बना दिया, नॉर्मल ये इतना आ रहा है यहां पर नॉर्मल, तो अब ये 90 डिग्री टोटल बन रहा है, ये इतना थीटा है,
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और अगर यहां से ये देखिए ये एंगल 90, एक तो ये नॉर्मल वाला 90 इस पर, बात समझ आ रही, ये इस पर ये लाइन जा रही है इस पर 90 डिग्री ये, और एक लाइन ये वाली, ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, ये और ये 90 डिग्री, इस पर जो 90 था ये और ये थीटा था, ये टोटल 90 था इतना, तो ये थीटा था, तो इससे हमने ये वैल्यू निकाल लिया 90 माइनस थीटा। अब अगर ये एंगल टोटल 90 है और ये इतना 90 माइनस थीटा, ये इतना एंगल हो जाएगा थीटा, और थीटा प्लस 45 ये आई टोटल एंगल है इतना आई, और एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर, ये हमने आपको बताया पूरे चैप्टर इसी बेस्ड, एंगल आई ये इक्वल टू, ये एंगल आई इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर, ये एंगल आई, तो एंगल आई जो है ये टोटल एंगल है, ये यहां से लेकर के ये नॉर्मल ये और इंसिडेंट रे, ये टोटल एंगल एंगल आई, और ये टोटल एंगल अगर हम निकालें ये थीटा है ये 45, ये थीटा प्लस 45 भी आई के बराबर हो जाएगा, यहां पर थीटा प्लस 45 रख दीजिए, ये तो एंगल का सिंबल है, ठीक है, लिखिए चाहे एंगल लगाइए चाहे मत लगाइए, सिंपली आई इक्वल टू आर लिखो ना यहाँ पर, तो ये थीटा प्लस 45, ये एंगल कितना आएगा 45 थीटा, ये मिलकर के आई के बराबर, और एंगल आर कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इस थीटा को इधर ले लिए तो ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 90 माइनस 45, तो ये 2 थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 22.5 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री आ जाएगा, 22.5 डिग्री, चाहे इसको 22.5 को ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हैं कहीं 22 होल नंबर 1/2 22 ये आ गया, ठीक। तो ये मैंने आपको देखे सवाल क्या था, ये प्लेन मिरर, ये लाइट आगे से इंसिडेंट हो रही है 45 डिग्री दिया है, या नॉर्मल ड्रॉ है ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर लिए, ये एंगल आई है ये एंगल आर हो जाएगा, ये लाइट ऐसे जा रही सीधा कह रहा है, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, यहाँ से कितने एंगल पर कोई मिरर रखा जाए मान लीजिए थीटा एंगल पर, जिससे कि यहाँ पर जो लाइट पड़े ये ऐसे निकल जाए सीधा इसी लाइन के अलोंग ऐसे निकल जाए हॉरिजॉन्टल निकल जाए ये, तो हमने मान लिया थीटा है, अब लाइट यहाँ जाकर इंसिडेंट होगी, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये नॉर्मल ऐसे आ जाएगा ये ऐसे, ठीक। और एक लाइन हमने ये सीधी ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए, ये 45 था ये 45 और ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये इतना एंगल कितना जाएगा 45, और ये नॉर्मल ये इंसिडेंट रे ये टोटल एंगल ये इतना आई होगा, और फाइनल रे इधर निकल के जाए तो आर ये इतना हो जाएगा, आई इक्वल टू आर होगा। अब ये 45 है ये हमने देख लिया इतना, अच्छा यहां से अब यहां देखें ये इतना टोटल 90 है और ये थीटा एंगल ऑलरेडी दे रखा है, दे मैंने ले लिया है थीटा एंगल पे, तो ये इतना अगर टोटल 90 है और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, आर की वैल्यू 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये इतना एंगल 90 दिख रहा है ना, एकदम सीधा 90 दिख रहा है, 90 ये 90 में 90 माइनस थीटा निकाल देंगे थीटा जाएगा, ये थीटा प्लस 45 आई के बराबर हो जाएगा, और ये आर की वैल्यू 90 माइनस थीटा और आई इक्वल टू आर होता है, तो थीटा प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये यहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो थीटा आ जाएगा 22.5। तो देखिए हमने आपको तीन ही प्रॉब्लम कराया, लेकिन मैंने कोशिश पूरी किया है कि आपको एंगल समझ में आ जाए, और इस तरीके से इसमें मैंने आपको बताया यही चैप्टर नहीं यही टॉपिक नहीं केवल प्लेन मिरर, चाहे भी आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स आ जाएगा, कुछ लोग रूल्स याद भी करते हैं, कोई रूल मत याद करो, हर जगह एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जहां लाइट इंसिडेंट हो वहां नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सीधा ड्रॉ कर दो एकदम परफेक्ट फिगर निकल जाएगा, बस सिर्फ एक लाइन टेढ़ी वेढ़ी ना हो, मेरे तरीके से आप एकदम सीधी ड्रॉ करिएगा तो एकदम सही आ जाएगा। अगली क्लास में हम लोग और कुछ नए कॉन्सेप्ट इस पे प्लेन मिरर पे और नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है कुछ और नई प्रॉब्लम्स के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने।